पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा सन गॉड ऑल फादर गॉड्स को पूरी तरह से हराने ही वाला होता है, लेकिन एक साथ से यूनिवर्स गॉड उनको ज्वाइन कर लेता है, जिस वजह से सन गॉड बुरी तरह से वहां पर हार जाता है। साथ साथ में हमारा फ्रैंकलिन भी बुरी तरह से हार जाता है, इसीलिए फ्रैंकलिन को फिर से कुछ टास्क मिलते हैं, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स के रेड सन गॉड की टेम्परेचर पावर्स को चुराना। और हमारा फ्रैंकलिन बहुत ही साहस से पैरेलल यूनिवर्स में जाता है और वो रेड सन की उस खतरनाक टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली पावर को बहुत ही मुश्किल से चुरा लेता है रेड सन से। उसके बाद वो जाता है फायर गॉड के मुंह में, जिससे कि वो उसकी पावर्स को चुरा के हमारे सन गॉड को और भी ज्यादा ताकत बना दे। और हमारा सन गॉड अब बन जाता है सिक्स हेडेड और वो लड़ाई करने चला जाता है सीधा यूनिवर्स गॉड एंड ऑल फादर गॉड से। तो आज हम देखने वाले हैं इन सब में कौन है कितना पावरफुल, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। अरे नहीं गाइस, यहाँ पर सन गॉड और बाकी के गॉड्स की लड़ाई में मेरी सोने की कार जल चुकी है। और देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा सन गॉड जीत रहा है और सिंचेन की टीम में ऑल फादर गॉड एंड यूनिवर्स गॉड हार रहे हैं, क्योंकि हमारा सन गॉड है सिक्स हेडेड। बिल्कुल सही कहा तूने फ्रैंकलिन, और अब मैं इन लोगों को भस्म कर दूंगा और इस दुनिया का नया गॉड अब मैं हूंगा, ऑल इन वन गॉड। यस गाइस, हमारा सन गॉड जीत कर रहेगा। पापरी नहीं, ऑल फादर गॉड्स एंड यूनिवर्स गॉड कुछ करो। मैं कुछ करता हूँ, रेड सन गॉड हमारी मदद करो। क्या रेड सन गॉड? नहीं, रेड सन गॉड यहाँ कैसे आ सकता है? ओह नो गाइस, रेड सन गॉड यूनिवर्स गॉड और ऑल फादर गॉड के साथ मिल गया और उसने हमारे सन गॉड के दो हेड गायब कर दिए। फ्रैंकलिन मेरी मदद करो, रेड सन गॉड को रोको, वो मेरे सूरज को खा जाएगा। ओह नो गाइस, धरती का सूरज गायब हो गया, रेड सन गॉड ने पूरे सूरज को भस्म कर डाला। अब मरोगे तुम, ऑल फादर गॉड जीतेंगे। नहीं 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 नहीं, ऑल फादर गॉड मैं वापस आऊंगा, मुझे यहाँ से जाना होगा, तू कहीं नहीं जा रहा है, रेड सन तुझे खत्म कर देगा। अरे नहीं फ्रैंकलिन, रेड सन मुझे मार रहा है। ओह नो गाइस, रेड सन गॉड बहुत खतरनाक है, हमारे सन गॉड को मार देगा, उसने धरती का सूरज खा लिया। गाइस अब हमारे पूरे अर्थ पर हमेशा रात रहेगी, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। नहीं, ये लोग कहाँ भाग गए? ये लोग जो ऑल यूनिवर्स गॉड, ऑल फादर गॉड एंड रेड सन गॉड से नहीं बचेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, हम सब जीतेंगे। हाँ, सिंचेन नुहारा की टीम जीतेगी। बिल्कुल सही कहा, रेड सन गॉड तुम्हारे साथ है। गाइस ये कौन से वर्ल्ड में आ गए, मैं और सन गॉड? फ्रैंकलिन मेरी मदद करो, जल्दी आओ, मैं मर रहा हूँ। एक मिनट गाइस, ये क्या है? ये एक ब्लैक सन है, हम ब्लैक सन गॉड की पृथ्वी पर आ गए हैं। क्या ब्लैक सन? गाइस यहाँ का सूरज काला है। ओह माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था काला सन, लेकिन हम करेंगे क्या? तुम्हें जल्दी मेरे पास आना होगा और मुझे शक्तियाँ दिलानी होंगी। लेकिन गाइस हम कैसे शक्तियाँ दिलाएं? प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब, हमें अपने भाई सन गॉड को बचाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन जल्दी से जाओ और पेपर रीड करो, तुम्हें नए टास्क मिलेंगे इस धरती के हिसाब से। गाइस पता नहीं मैं कौन से प्लेनेट पर हूं, लेकिन यहां जो भी खतरनाक टास्क है मैं उनको पूरे करके रहूंगा। चेक करता हूं स्टील ब्लैक सन गॉड टेंपरेचर पावर। क्या गाइस हम ब्लैक सन गॉड से मिलने जा रहे हैं, स्टील गॉड फादर टाइटन ऑफ स्किल्स। ओह माय गॉड, लास्ट वाला क्या है? लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। गाइस प्लीज अब तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। साथ साथ में कॉमेंट में 80 गेमर ओपी लिख दीजिए, जितना हो सके उतना लिख दीजिए। आज हमें सपोर्ट चाहिए, हमें जल्दी से ब्लैक सन गॉड की टेम्परेचर वाली पावर्स को चुराना पड़ेगा। फ्रैंकलिन जल्दी करना मेरे भाई, वरना सन गॉड मरा तो धरती भी मर जाएगी। जानता हूं गाइस, धरती का सूरज हमें वापस लाना पड़ेगा क्योंकि रेड सन गॉड ने उसको खा लिया है। हमारा सन गॉड उस धरती के सूरज को वापस रिस्टोर करेगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे इन टास्क को कंप्लीट करना होगा। ये क्या? ये तो ब्लैक सन गॉड है। तुम यहां क्यों आए हो? चले जाओ यहां से। गाइस इसकी आवाज बड़ी स्कैरी है, साथ साथ में ये तो पूरा ब्लैक है। गाइस इसके मुंह के अंदर जाके चेक करते हैं क्या। ओह माय गॉड गाइस, लिटरली में इसकी तो पावर्स भी ब्लैक ही हैं। गाइस मुझे इस टेंपरेचर कंट्रोल करने वाली पावर को लाना होगा, जिससे कि हमारा सन गॉड धरती के सूरज को वापस लेकर आ जाए और यहां पर वो रेड सन गॉड के साथ साथ ऑल फादर गॉड एंड यूनिवर्स गॉड से भी लड़ाई कर पाए। गाइस अगर आप सभी मेरे साथ हैं तो प्लीज कॉमेंट में यस लिखिए, सिंचन बहुत गलत कर रहा है उन सभी का साथ देकर। हालांकि अभी टीम उनकी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन गाइस अगर हम साथ में रहेंगे तो एकता में बल है मेरे दोस्तों, हम साथ में जीत सकते हैं उन सारे यूनिवर्स गॉड ऑल फादर गॉड एंड रेड सन गॉड को हरा कर। जल्दी जल्दी जाता हूं गाइस, देखिए मैं काफी ही ऊंचाई पर आ गया हूं। लेट्स गो फ्रैंकलिन, तू कर
सकता है। ओके गाइस, अभी मेरे को और ऊंचा जाना पड़ेगा। अरे वाह, मैं इसके हाथ पर पहुंच गया ऑलरेडी। राइट दोस्तों, अभी मुझे इसके मुंह में जाना होगा। नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे, बार बार गिरने से बच रहा हूँ मैं बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। मुझे बहुत ही ध्यान से यहाँ पर अपने आप को इस ब्लैक सन गॉड के मुंह में ले जाना होगा। फाइनली गाइस, मैं पहुंच रहा हूँ। कौन सा कीड़ा है तू, बाहर निकल मेरे मुंह से। अरे बाप रे गाइस, इसको पता चल गया मैं इसके मुंह में हूँ। लेकिन हम फाइनली इसकी पावर्स के पास पहुंच गए। अब जल्दी है? ये क्या? तुझे शायद मेरी पावर्स का अंदाजा तक नहीं है। ये कैसी पावर है? ओह नो गाइस, इसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, इसने मुझे ओह नो, भाग यहाँ से वरना मर जाएगा इंसान। इसको पता चल गया कि मैं इंसान हूँ। इंसान यहाँ भी होते हैं लेकिन तुझसे बेहतर होते हैं। अरे पता नहीं गाइस, यहाँ के इंसान कैसे होंगे। अरे बाप रे, कोई मेरी मदद करो गाइस, अब तो सन गॉड ही साग से मुझे बचा सकता है। हेल्प मी सन गॉड, हेल्प मी गाइस, कमेंट में हेल्प मी सन गॉड लिखिए। सन गॉड प्लीज बचा ले। हेलो फ्रैंकलिन, मैंने तेरी आग बुझा दी है। शुक्रिया मेरे भाई, बाल बाल बच गया मैं। चलो दोस्तों, हम ना कुछ और ट्राई करते हैं। सन गॉड प्लीज मुझे कुछ ऐसा दे जिससे कि मैं उसके ऊपर चढ़ पाऊं। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं तुझे एक ऐसा एलिमेंट देता हूं जिसके इस्तेमाल से तू इसको कमजोर कर सकता है। क्या गाइस, यहां पर हमारे सन गॉड ने एक ऐसा एलिमेंट दिया है जिसके इस्तेमाल से मैं ब्लैक सन गॉड को कमजोर कर सकता हूं। ओके गाइस, मुझे बस इस वाले एलिमेंट के साथ यहां पर हो रहे। बाप रे गाइस, ये एलिमेंट काम कर रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, मेरी कमजोरी तुझे कैसे पता चली इंसान? यहू गाइस, आपको आप सभी को कमेंट में सन गॉड ओपी लिखना पड़ेगा। लिटरली में हमारे सन गॉड को ब्लैक सन गॉड की पूरी कमजोरी के बारे में पता है। गाइस लिख दो जल्दी से सन गॉड ओपी जितना हो सके, लेट्स गो गाइस। और बाकी देखिए, मैं यहां पर सन गॉड की ब्लैक वाली पावर्स को लेने आ चुका हूं। ऑलराइट दोस्तों, अब हम अपने वाली धरती के सूरज वाले सन गॉड पे चलते हैं जिससे कि वो हमारी धरती को बेटर कर पाए। फ्रैंकलिन जल्दी आ, समय खत्म हो रहा है मेरे भाई। आ रहा हूं। ओके गाइस, यहां पर अब जल्दी से हम इन ब्लैक टेंपरेचर वाली पावर्स को सन गॉड को दे दिए हैं। फ्रैंकलिन मेरे भाई शुक्रिया, मैंने अपनी बॉडी को ठीक कर लिया है लेकिन अभी भी एक काम रह गया है। अब मैं धरती पर वापस जा रहा हूं, मुझे वहां का सूरज वापस लाना होगा वरना पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। मैं जाता हूं, तू भी मेरे साथ साथ आ जा। ओके गाइस, हम वापस से अर्थ पे आ चुके हैं। देखिए चारों तरफ अंधेरा है क्योंकि रेड सन गॉड ने हमारा सूरज खा लिया ना। तो चिंता मत कर फ्रैंकलिन, मैं अपनी बॉडी की सारी शक्तियां धरती के सूरज को रिकवर करने में लगा दूंगा। ओह माय गॉड गाइस, फाइनली हमारा एक नया सूरज पैदा हुआ है। हालांकि वो छोटा है, कमजोर है, लेकिन दोस्तों हम अपने सन गॉड को ताकतवर बनाएंगे अगर हमारा सन गॉड ताकतवर होगा। ये क्या है? ये तेरा गिफ्ट है मेरे भाई, ये है एक फायर फ्रैंकलिन हल्क गॉड। क्या? फायर फ्रैंकलिन हल्क गॉड? ओह माय गॉड गाइस, मुझे तो सन गॉड ने लिटरली मैं इमोशनल कर दिया। इतना प्यारा सूट गाइस, देखिए मैं, मेरा पूरा सूट आग से बना हुआ है गाइस। हमारा सन गॉड बहुत ही ओपी है, क्या ही खतरनाक पावर है। अब दोस्तों समय आ गया है यहां पर सन गॉड को और ज्यादा खतरनाक बनाने का। देखिए मेरी पावर्स, मैं अपनी बॉडी में से लावा बीम निकाल सकता हूं। लिटरली में ये लावा बीम है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, अब जल्दी से जा गॉडफादर की सारी स्किल्स चुरा ला जिससे कि मैं सबको हरा सकूं और दुनिया को बचा सकूं। समझ गया, मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया। ओके गाइस, हम यहां पर अब गॉडफादर टाइटन के पास आ गए। देखिए गॉडफादर टाइटन ऑलरेडी कितना ज्यादा स्किलफुल है, इस पर बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज करना आता है, फायर विंड, साथ साथ में गाइस यहां पर क्लाउड स्काई वाटर फायर पता नहीं क्या क्या है। लेकिन गाइस इसका एक भी एलिमेंट मुझे दिख नहीं रहा। मैं काम करता हूं इसकी स्किल्स को ही चुरा लेता हूं। लेकिन इसकी अवेलेबल स्किल होंगी कहां? गाइस इधर देखें, आग जो जल रही है। एक मिनट गाइस, यहां पर कुछ है। फाइनली गाइस हमने इसकी स्किल्स फाइंड कर ली। अगर मैंने इनको अचीव करके हमारे सन गॉड को दे दिया तो हमारे सन गॉड पे इतनी स्किल्स आ जाएंगी वो सारे यूनिवर्स के गॉड्स को हरा सकता है। ऑलराइट गाइस, अब समय आ गया है यहां पर इस गॉड फादर टाइटन की बैंड बजाने का जिससे कि दोस्तों हम इसकी स्किल्स को चुरा पाए। अरे बाप रे, कौन है ये? अरे बाप रे गाइस, गॉड फादर टाइटन को फर्क पड़ रहा है, इसे का मतलब गाइस हम जरूर जीत कर रहेंगे। ए मूर्ख इंसान, ऊपर आ। ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, मैं उड़ क्यों रहा हूं? मैं तुझे बुला रहा हूं अपने पास फ्रैंकलिन, मैं तुझे जानता हूं, तू मेरे बेटों के पीछे पड़ा हुआ है ना,
लावा गॉड एंड आइस गॉड के। बिल्कुल सही कहा, और मैं उन सबको हरवा के रहूंगा, वो भी हमारे सन गॉड से। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गया गाइस, इससे पहले ये हम अटैक करें, हम अटैक करते। नहीं मेरा सूट कहाँ गया? अरे नहीं दोस्तों, ये क्या? अरे बाप रे गाइस, मेरा दम घुट रहा है। ओह नो, कोई प्लीज सन गॉड से बोलो मेरी मदद करे। सन गॉड हेल्प मी सन गॉड, सन गॉड मेरी मदद कर, इस धुएं को हटा। फ्रैंकलिन मैंने तेरी सुन ली है, रुक मैं अभी कोशिश करता हूँ मेरा भाई। फाइनली गाइस सन गॉड ने हमारी मदद कर दी, लेकिन दोस्तों अभी ना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस गॉड फादर टाइटन को हराऊं कैसे। पहले यहाँ मैं अपना सूट पहन लेता हूँ, मैं बहुत ही नूब हूँ। फाइनली गाइस हमने सूट पहन लिया। अरे सन गॉड मेरी बात सुन मेरे भाई, मुझे ये बताएगा कि मैं इस खतरनाक गॉडफादर टाइटन को कैसे हराऊं और अपने सूट की पावर्स को कैसे इस्तेमाल करूं। फ्रैंकलिन घूम 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 घूम, ये क्या हो रहा है? मैं घूम कैसे रहा हूं? मैं तुझे घुमा रहा हूं। लेकिन ये घूमने से होगा क्या? एक बार गॉडफादर टाइटन की टांग पकड़ ले, उसके बाद घूमना स्टार्ट कर। किया सच में? व्हाट गाइस, आप सभी को दिखाता हूं क्या हो रहा है। अरे नहीं, इस बुड्ढे को क्या करवा रहा है तू? मेरी उम्र घूमने की नहीं है, छोड़ मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे पास एक गॉडफादर टाइटन को हिलाने या फिर घुमाने की आदत है, मतलब ताकत है। गाइस दिस इज ओपी मूवमेंट, कमेंट में जल्दी ओपी मूवमेंट लिख दो, बहुत ही मजा आ रहा है। अरे बाप रे पूरा घुमा दिया। गाइस इसको चक्कर आ रहे हैं, अब जल्दी से यहाँ पर हम गॉडफादर टाइटन की स्किल्स को चुरा लेते हैं जब तक इसको चक्कर आ रहे हैं, वरना बाद में इसमें मुझ पे हमला कर दिया तो मेरी बैंड बच जाएगी। बिल्कुल फ्रैंकलिन, मैं तुझे अपने पास टेलीपोर्ट कर रहा हूँ। ओके गाइस, मैं और साथ साथ में ये स्किल्स हमारे खतरनाक गॉड सन के पास आ चुके हैं। अब सन गॉड एक काम कर, जल्दी से भाई स्किल्स को ले ले। ठीक है फ्रैंकलिन। ऑलराइट गाइस, अब देखना ये है कि हमारा सन गॉड क्या बनता है। वेट अ सेकंड गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 हेडेड सन गॉड। गाइस अब तो हमारी टीम बहुत ही ऑसम हो गया है। दोस्तों जो भी मेरी टीम में है वो कमेंट में अपना प्यारा प्यारा नाम लिख दो, क्योंकि गाइस अब लड़ाई होने जा रही है। बिल्कुल फ्रैंकलिन, अब हम उनको छोड़ेंगे नहीं। एक मिनट फ्रैंकलिन, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। क्यों क्यों अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा मुझे? नहीं 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 फ्रैंकलिन, मुझे बचा। ओ नो गाइस, ये क्या हमारे सन गॉड के साथ ये क्या हो रहा है? सन गॉड तू इतना पावरफुल है, प्लीज ऐसा मत कर। सन गॉड मर रहा है फ्रैंकलिन, बचा मुझे। ओ नो गाइस, हमारा 7-8 एक मिनट, ये कहां गया मैं? हमने तुझे इधर बुलाया। बिल्कुल हमने तुझे इधर बुलाया। बिल्कुल अब हम तुझे खत्म कर देंगे। बिल्कुल रेड सन गॉड तुझे खत्म कर देगा। तो तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है, तो वैसे भी मैं यहाँ आने ही वाला था तुमसे लड़ने के लिए। अब मैं 7-headed सन गॉड बन चुका हूँ। गाइस ये बहुत ही खतरनाक बैटल होने जा रही है, अगर आप सभी चाहते हैं इस बैटल को देखना और इसमें कौन जीतेगा ये भी देखना, तो कमेंट में जल्दी से पार्ट 11 लिख दो, जितना हो सके पार्ट 11 लिख दो जल्द से जल्द। हम पार्ट 11 में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।